नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने क्राइम रिस्पांस टीम का गठन किया है। इस टीम का मुख्य उद्देश्य है स्ट्रीट में हो रहे क्राइम को रोकने और लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने का काम करे। सीपी मैम के निर्देशन में और डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसको सीआरटी नाम दिया गया है, क्राइम रिस्पांस टीम। इसका काम मुख्य रूप से जो भी स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, जैसे कि छिनैती और अन्य अपराध, लूट के या चेन के स्नैचिंग के अपराध, इन सभी पे अंकुश लगाने के लिए और इन सभी घटनाओं के सफल वर्कआउट के लिए, ऐसी गैंग्स पर काम करने के लिए एक टीम का गठन हुआ है, जो निरंतर इन गैंग्स पर काम करती रहेगी और सफल घटनाओं का अनावरण करती रहेगी। कितने लोगों की सर ये टीम होगी और किस तरीके से ये हेल्पिंग हेड बनेंगे नोएडा पुलिस की? यह टीम जो अन्य जोन की टीमें हैं और थानों की टीम है, उनको सहायता देने के लिए बनी हुई है और उनके साथ ही मिलकर काम करके ये मदद करेगी उनको। और इसमें सभी सीसीटीवी कैमरास का अवलोकन होगा, सारे टेक्निकल इनपुट्स रहेंगे, सर्विलेंस की टीम भी लगातार काम करेगी और उसके बाद एक घटना का सफल अनावरण करेगी।